नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के VIPF सेंटर हुड्डा सेक्टर में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि हुड्डा की सड़कें किस तरह से टूट चुकी हैं। हुड्डा के लोगों को यहां हर रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम दिखाएंगे आपको हर गली की वो सड़क जिससे लोग रोज़ाना गुजरते हैं और लोगों को यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। यहाँ आप देखिए किस तरह से ये सड़क टूटी हुई है। ये हुड्डा का जो मॉडल पार्क है, मॉडल पार्क के सामने आप देखिए ये जो बड़ा क्षेत्र है, यहाँ जो सड़कें टूटी हुई है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे आगे वाली गली के अंदर किस तरह से जो है सड़कें टूटी हुई है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। यहाँ देखिए ये सड़क में बहुत बड़ा जो गड्ढा बना हुआ है। हालांकि हुड्डा प्रशासन कई बार इसका दावा करता है कि सड़कें हर साल बनती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। हम आपको लगातार हुड्डा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप हमारे साथ देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से हुड्डा की सड़कें टूटी हुई हैं। अब देखिए ये जो हुड्डा के ही हाल है। हालांकि हुड्डा प्रशासन बार बार इस तरीके का दावा करता जा रहा है कि किसी तरीके की वो सड़क नहीं टूटी है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हालांकि हमारी यहाँ लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ सड़कें नहीं बनी है। हालांकि इस बार ये भी एक बहुत बड़ी, ये देखिए कितना बड़ा खड्डा यहाँ हुड्डा की सड़कों पे है। और सबसे बड़ी बात यहाँ हम आपको बताएं कि हुड्डा के जो लोग जब हुड्डा विभाग के पास जाते हैं सड़कों की ठीक करवाने की मंजूरी को लेके, तो हुड्डा एक सीधे तौर पर एक सीधा जवाब देता है कि ये पूरा इलाका हमारे अंडर ही नहीं है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे हुड्डा सेक्टर की। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हुड्डा सेक्टर का ये जो नज़ारा है जो आप देख रहे हैं, बड़ी कोठियां और बड़ी गाड़ियां, लेकिन सड़कों की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं हुड्डा सेक्टर की 60 फुटी रोड पे। ये देखिए सीधे तर से ये बहुत बड़े खड्डे हैं, पूरी रोड ही टूटी हुई नज़र आ रही है। आगे भी देखिए, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए हुड्डा सेक्टर की। आज हम आपको बता रहे हैं किस तरीके की हुड्डा सेक्टर में टूटी हुई सड़कें हैं, जहां लोगों को हर रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देखिए यहां एक वैकल्पिक व्यवस्था यहां के लोगों द्वारा की जा चुकी है। ईंटों से ये भर दिया गया है। बहुत लोगों को परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। और यहाँ एक हम आपको एक नई जानकारी ये बताएं कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नज़दीक है और हुड्डा चौकी भी यहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर है। बावजूद उसके सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, पिछले कई सालों से यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ ये मौजूद हैं हुड्डा सेक्टर के निवासी हैं डॉक्टर संदीप, हम इनसे बात करेंगे। ये इतना बड़ा खड्डा है, इसके अलावा यहाँ की काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। डॉक्टर संदीप हमारे साथ हैं और आप ये देखिए ये इनका मकान है, ये आलीशान मकान इधर नज़र आ रहा है और साथ ही गंदगी का बहुत बड़ा यहाँ अंबार भी देखने को मिल रहा है। आवारा पशु यहाँ घूमते रहते हैं। डॉक्टर संदीप से हम बात करेंगे किस तरीके की परेशानी आपको यहाँ झेलनी पड़ रही है। अभी सड़कों का तो जैसे आपने बताया है, जगह जगह खड्डे हैं बड़े, और दूसरा ये जो बारिश की वजह से जो खरपतवार इतनी बड़ी बड़ी उग गई रही है, ये अननेसेसरी ये क्राइम को इनविटेशन दे रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो खुले में शौच का नारा दिया जा रहा है कि ना हो, आसपास जो लेबर है मकानों में काम कर रहे हैं तो वो सारा दिन खुले में शौच करते हैं, जो बीमारियों और गंदगी को इन्विटेशन दे रहे हैं। तो हमारी जिला प्रशासन और सबसे विनती है कि कृपया करके इन चीज़ों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप, जिन्होंने सड़कों के अलावा और भी कई चीज़ों के बारे में बताया। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। अब हम पहुंचे हैं ग्रीन बेल्ट पे। आप कितने बड़े खड्डे यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं हुड्डा सेक्टर की, किस तरह से यहाँ जो ये इधर से लोगों ने व्यवस्था वैकल्पिक की हुई है। खड्डे बहुत है रोड में, तरह तरह की यहाँ जो लोगों को दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सिरसा तेज फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।